दीवार बिल्कुल सीधी बनाई गई, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई, छत के खुले हिस्से पर लोहे की रेलिंग लगाई गई ताकि कोई छत से नीचे ना गिर जाए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित ही इतना व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखती? जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं खा सकता, तो स्वतः माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तुरंत अपनी माँ के सीने से लगते ही खुद ब खुद दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लग जाता है। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जलवाष्प उड़कर बारिश होती है और सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कुछ भी कह सकते हो, ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब खोजने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है। हमारे सौरमंडल का एक और ग्रह शनि हमारी पृथ्वी से करीब 760 गुना बड़ा है। उसके बाद आप बृहस्पति को देखिए, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद आता है सूर्य, ये हमारे सौरमंडल का तारा है और इसमें समा सकती हैं 1,30,000 पृथ्वी। है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा? लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सिरियस नामक तारे से करें तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा। लेकिन सिरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बड़ा है पोलक्स। लेकिन ब्रह्मांड में पोलक्स से भी बड़ा तारा मौजूद है आर्कट्रस, परंतु उससे भी बड़ा है एल्डेब्रान, और एल्डेब्रान से भी बड़ा तारा है जिसका नाम राइजल रखा गया है। लेकिन अंत यही नहीं है दोस्तों, राइजल से भी बड़ा तारा जो हाइपर जॉइंट की श्रेणी में आता है वो है पिस्टल स्टार, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पिस्टल स्टार से बड़ा है एंटेरस, एंटेरस से बड़ा है बेटलजियस, उससे भी बड़ा है वी वाई केनिस मेजोरिस, और इन सबसे बड़ा है यू वाई स्क्यूटी, और न जाने कितने ही अन्य अरबों खरबों तारे सिर्फ हमारी आकाश गंगा में है। दोस्तों, यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। यहाँ से आप देखोगे तो आपको अपनी पृथ्वी लाख गुना जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी। पर दोस्तों, अभी बात खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी ही न जाने कितनी ही आकाशगंगाएं जिनमें अरबों खरबों तारे, सूर्य, ग्रह सब समाये हुए हैं, इन सब से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मांड, इतना बड़ा, विशाल, अथाह, या आप जो भी कहें, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी विशालता और व्यवस्था को बयां करने में। ये है हमारा ब्रह्मांड। खैर दोस्तों, अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों, इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जवाब बड़ा सीधा है। दोस्तों, अगर आप गधे को ये समझाओगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप गधे को ABCD सिखाओगे तो इन 26 अक्षरों को वो नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की विशालता और व्यवस्था के सामने हम गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की है। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकें। खुद को गधा कहलवाने पर बुरा मत मानना दोस्तों, पर सच कहूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम गधे से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भगवान को लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया? अरे भाई, इस सृष्टि में तेरी हैसियत ही क्या है? एक कीटाणु है तू, कीटाणु। तुझे क्या लगता है कि जो पल भर में तुझे खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है?
कोई कहता है यहाँ राम मंदिर बनेगा, तो कोई कहता है नहीं यहाँ मस्जिद बनेगी। अरे कीटाणुओं, नहीं जरूरत है उसे तुम्हारे मंदिर या मस्जिद की। नहीं आएगा वो तेरे मंदिर में या तेरे मस्जिद में रहने। वहाँ कोई अनाथ आश्रम बना लो भाई, बेसहारा बच्चों को सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। मुस्लिम हिंदुओं को काफिर बोलते हैं और हज पर चले जाते हैं। हिंदू अल्लाह को कोसते हैं और कावड़ लेने चले जाते हैं। हद है यार, मतलब हद है। तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की फरियाद करते हो और उसी को गालियां भी देते हो। भगवान गॉड अल्लाह वाहेगुरु पता नहीं ये है भी के नहीं, लेकिन अगर ये हैं तो ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही इकाई के नाम है जो कि तुम लोगों ने रखे हैं। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, तुम लोगों ने ये नाम रखे हैं और फिर उन्हीं नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गधे से ज्यादा समझदार बतलाते हो। भाई भगवान को ना तेरे मंदिर की जरूरत है, ना तेरे मस्जिद की, ना तेरे गुरुद्वारे की, ना तेरे चर्च की। ना उसे तेरी पूजा पाठ की जरूरत है, ना तेरी नमाज की। ना उसे तेरी चद्दर की जरूरत है, ना तेरे चढ़ावे की। उसी की बनाई गंगा का जल तू उसी पर छिड़कता है और उसी की बनाई प्रकृति से फूल तोड़कर उसी पर चढ़ाता है और सोचता है कि अब भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो खुश तब होगा जब तू भगवान की पूजा करके उसी के बनाए मुसलमानों को नहीं कोसेगा, या तू नमाज अदा करके उसी के बनाए हिंदुओं को भी प्यार और सम्मान से देखेगा। वो तब खुश होगा जब तू उसके हर माने जाने वाले स्वरूप के सामने सर झुकाएगा। वो तब खुश होगा, फिर चाहे वो स्वरूप अल्लाह का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे वाहेगुरु का हो, चाहे गॉड का हो। क्योंकि भले ही वो स्वरूप इंसानों की कल्पना हो, लेकिन है तो उस परमात्मा को याद करने का जरिया ही। दोस्तों, जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और मजहब के नाम पर दंगे करते हैं, अगर मेरी इस वीडियो से उनमें से एक का भी हृदय परिवर्तन हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। भाइयों, अब भी समझ जाओ, अब भी मौका है। नहीं तो ये स्वर मान्य सत्य है कि जिसके नाम पर तुम झगड़ा करते हो, एक दिन जाना तो आखिर उसी के पास है। कैसे जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे? याद रखना मेरे भाइयों, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।